तो दोस्तों हम लोग आज देखेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है कि मोस्ट एक्यूरेट ट्रेडिंग टेक्निक्स है। इसमें हम लोग प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे और पूरा प्राइस एक्शन भी ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन भी दिखाऊंगा और जो मैंने रिकमेंड किए थे और उसमें प्राइस एक्शन के टारगेट भी कैसे हुए वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा प्राइस एक्शन सीखेंगे जैसे कि इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी। तो ये वीडियो आप अगर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या होता है कि जैसे कि एक्चुअली हम प्राइस कैसे एक्शन करते हैं वो देखते हैं। प्राइस यानी होता है कैंडलस्टिक्स। तो कैंडलस्टिक के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाए, ऊपर आई बटन में उसका मैं रिप्लाई देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। और प्राइस एक्शन के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, उसके भी मैं यहाँ पे रिप्लाई दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिए। तो प्राइस कैसे मूव होता है और कैंडल कैसे मूव होते हैं, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, उसके ट्रेंड लाइन कैसे बनते हैं या कोई चार्ट पैटर्न बनता है और उससे अपने को नया एंट्री मिलता है, टारगेट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। और ये मैं पूरा आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। मैं आपको बहुत सारे जो ये है कि स्टॉक है उनके एग्जांपल भी दूंगा, रिसेंट जो ब्रेकआउट हुए वो भी दूंगा और आगे कुछ मूवमेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए और हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे होता है। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी आप रिफर कीजिए और वो रिफर करके आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँगा प्राइस एक्शन के ऊपर। जितने भी ये वीडियो के आप ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट दोगे, तो मैं और भी प्राइस एक्शन के एजुकेशनल वीडियोज़ बनाऊँगा। तो कुछ जैसे कि मैंने वीडियो पहले बनाए वो भी आप रिफर कीजिए। और चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन कि मैं आपको स्टार्ट करूंगा IDFC फर्स्ट सोर्स बैंक से। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो डेली का चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट्स का है। तो हम लोग डेली के ऊपर देखेंगे। तो अभी करंट जो प्राइस एक्शन चल रहा है ये तो फंटेस्टिक है, लेकिन मैं आपको पहले भी इसका कुछ प्राइस एक्शन दिखाऊंगा तो थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया आ जाएगा प्राइस एक्शन कैसे बनता है। तो जब भी बैंक स्टार्ट हुआ था तभी से यहाँ पे देखो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये करता हूँ, फोकस करता हूँ, तो ये लोअर हाई बनाते जा रहा था। लोअर हाई का मतलब है कि जितने भी हाईज है ये लोअर हाई बनाते जा रहा था। जब भी ये लेवल जो है, ये जो हाई बने थे उसके ऊपर जब भी एक हाई बन गया और ब्रेकआउट हो गया, वहाँ से उसने अप ट्रेंड चालू किया। देन ये जो कि हाई बनाया उसके बाद ये जो कि लोअर हाई वापस बना दिया, उसके बाद ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड चलने लगा। यहाँ पे फ्लैट होने के बाद देखिए कि एक इधर ट्राई किया था उसने ऊपर जाने के लिए, जो कि एक यहाँ पे हाई था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, यहाँ से एक सेल ऑफ आ गया। तो यहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं किया कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से जो सेल ऑफ आया था वहीं से इसका सेल ऑफ आ गया। तो देखिए कि प्रॉपर जो प्राइस है यानी कि कैंडल्स है वो चलते हैं। तो कैंडल्स आपको सीखना है तो मेरा कैंडल्स का ऑलरेडी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्राइस ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने के लिए ट्राई किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये जो मिड जो सपोर्ट था यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद आगे जाते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के बाद देखिए सब जो हाईज है, ये हाईज है, यहाँ से लोअर हाईज मारते मारते यहाँ तक आ गया और यहाँ से थोड़ा सा एक अप ट्रेंड चालू हुआ था। यहाँ पे जो हाई ब्रेक करने के बाद थोड़ा अप ट्रेंड चालू हुआ। उसके बाद हम लोग करंट में अभी आके देखते हैं। तो करंट में देखिए कि ए हाई मारने के बाद जो ए इसके बाद ए नीचे हाई मारा, तो मैं थोड़े बड़े बड़े जो हाईज है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बड़े बड़े हाई देखे और ये बड़े बड़े लो देखे, तो क्या होता है कि बड़ा एक ट्रेंड में छोटे छोटे ट्रेंड भी आपको यहाँ पे दिखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था देखिए, तो यहाँ से सब लोअर हाई मारते गया था। एक बार ए जो हाई था, यहाँ पे जो था नजदीक वाला जो हाई था, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक सपोर्ट था। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था जहाँ से बाइंग आया था, वही से सपोर्ट लेके यहाँ स्टार्ट करने लगा। तो अब इसके पहले भी कोई भी कैंडल देखो, उसे ये जो रैली है वो कैसे दिख रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक में बाइंग आता है तो मोस्टली FIIs, DIIs और HNI जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग आता है, तभी उसमें कुछ मोमेंटम होता है। ये मैं आपके और भी स्टॉक के बारे में बता के आपको प्राइस एक्शन में बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए कि इसने एक यहाँ पे एक हाई बनाया था, ये हाई के बाद वापस सेल ऑफ आ गया। तो इसके बाद देखिए
कि वापस ये लेवल पे ऊपर ये कैंडल ने उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के टाइम पे अगर प्राइस एक्शन में उसके साथ अगर वॉल्यूम जो आप यहाँ पे देख रहे हो अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा जो है कि प्राइस एक्शन बनता है। लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो एक बार वापस ये स्टॉक ऊपर जाने के बाद वही लेवल को वापस रिटेस्ट करता है जो यहाँ पे किया था। तो अभी मैं आपको करंट जो बता रहा हूँ तो उसमें देख लेना, बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से वो वापस एक बार ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसने जो ए जो हाई बनाया था उसको इसने ब्रेकआउट किया और ए लेवल के ऊपर यहाँ पे रिटेस्ट किया। मैं आपको बताऊंगा वापस, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ तो अगर आपको ए समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो नेक्स्ट है कि जो लेवल आता है यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये जो कैंडल था ये लास्ट वीक में यही कही था और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था कि मैंने कहा था यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो उसका अगर यहाँ पे मेरे को क्लिप मिला तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं IDFC जो है बैंक का वापस एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए कि मैंने वो 50 का बात किया था तो सबके मन में वो 50 वाला बात रह वो होगा, लेकिन इसमें देखिए ये ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है अच्छे कैंडल से, और ये आने के बाद वापस ये जो ब्रेकआउट का जो लेवल है वहाँ पे अभी यहाँ सस्टेन हो रहा है। अगर ये वापस निकलता है 49.58 के ऊपर तो ये आपको 51.51 का टारगेट दे सकता है और यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन इसका जो है कि आप टॉप लॉस भी रख सकते हो, तो थोड़ा टॉप लॉस जो रखना है इसका नज़दीक वाला टॉप लॉस चाहिए 48.46 का टॉप लॉस रख सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर जा सकता है, लेकिन जाएगा तो 49.58 के ऊपर जाएगा तो ही उसको आप बाय करो। इसमें भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वापस 50 प्लस होने का चांस लग रहा है। तो देखिए कि लास्ट वीक में मैंने कहा था और अभी ये यहाँ पे एक टारगेट बना रहा है। तो यहाँ पे अगर ये जो ये चार्ट है उसमें देखिए कैसा ये हो गया है कि इसमें दो चीज़ हो गई, ये जो ये था एक राउंडिंग बॉटम टाइप उसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप भी बनाया है, तो उसका जो टारगेट है ये यहाँ तक आ सकता है 60 रुपीज तक। अगर वो आने के पहले एक बार ऐसे भी हो सकता है, अगर ये लेवल जो ब्रेक नहीं किया 50-30 के ऊपर क्लोज नहीं दिया तो और एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जा सकता है। दूसरा कि अगर आप पूरा इसमें देखें तो बड़ा अगर आप चार्ट देखो तो यहाँ पे भी देखें कि ये जो है कि कप और एक हैंडल और एक कपर हैंडल का एक ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे। तो अगर एक कपर हैंडल का अगर आप टारगेट देखो तो ये बहुत ही ऊपर आएगा। कितना आएगा, जो इतना जो डिफरेंस है उतना ही आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और जैसे कि आज भी इसने मूवमेंट किया तो जैसे कि यहाँ इसके बाद जितने भी कैंडल आए थे 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये लास्ट वीक में दिया था बहुत अच्छा चला, और इसके और भी ऊपर जाने के चांसेस है कि ये चार्ट पैटर्न के ऊपर चार्ट पैटर्न ये जो बन रहा है। तो ये प्राइजेशन है IDFC सोर्स में और आज भी इंट्राडे में इसने अच्छा मोमेंटम किया था। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो है DLF का। तो DLF का जो स्टॉक है ये शेयर करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका एक एज बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन निकला है मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म देखता हूँ वीकली। तो ये वीकली चार्ट है, देखिए अगर जितना लॉन्ग टर्म में आप चार्ट देखोगे और इंट्राडे भी करोगे तो भी आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन था मैंने यहाँ से यहाँ तक टच किया है, तो इसका दो पॉइंट है यहाँ से ये हाई, ए हाई और ए लोअर हाई। तो कोई लोग क्या करते हैं कि ए हाई वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो अभी स्ट्रांग हाई है जो नीचे बना था उसको आप कवर करके जाइए। तो ये कैंडल को बरोबर उसने ब्रेकआउट किया था जो अभी करंट वीक का है। अभी मैं डेली में जाता हूँ तो यहाँ पे हम लोग डेली में जाके देखते हैं। तो डेली में देखिए कि यहाँ पे ब्रेक किया था 12 मार्च को, उसके बाद कैसा मोमेंटम आया देखिए। और यहाँ पे कि मैंने एक यहाँ पे देखिए कि एक रेसिस्टेंस था ये जो है कि 194 लेवल के ऊपर, यहाँ पे जो 194 लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया कि डिलीवरी में इसको कैसे बाय करना है, अगर ये ब्रेक होने के बाद जब ये होता है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद भी आप बाय कर सकते हो, इसका भी टारगेट और ऊपर तक आ सकता है। लेकिन इंट्राडे में अगर देखना है तो मैं आपको इंट्राडे में इसका मोमेंटम दिखाता हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे बाय करते हैं या फिर ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए कि कल का जो उसका एक प्राइस एक्शन था तो ये 194 का जो लेवल था, देखिए कि जो लेवल हम लोग डेली में देखा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे भी। तो इंट्राडे भी जब भी एक कैंडल कन्फर्म इसके ऊपर क्लोज होने के बाद इसने ऊपर वाले टारगेट भी दिए। तो ये जो है कि प्राइस एक्शन आप डेली में लगाओ और इंट्राडे में भी ट्रेड करो। जैसा कि मैं ए 194 का जो वापस फिर के दिखाता हूँ कि डेली का बात करो, जो यहाँ पे रेसिस्टेंस था ये जब लेवल ब्रेक करता है तो बड़ा मूवमेंट देता है, और जो ब्रेकआउट होते हैं तो ये देखिए ये जो ब्रेकआउट वाले कैंडल्स हैं
उनका जो ये कि वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम भी आप प्राइजेशन के साथ चेक कर सकते हो। लेकिन मोस्टली मैं कैंडल के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है। अभी जैसे कि DLF को कि 203 के ऊपर क्लोज देना चाहिए तो ऊपर वाले भी इसके लेवल आ जाएंगे। नीचे अच्छा सा एक्यूमुलेशन हुआ है, ये जो रहता है ये नीचे एक्यूमुलेशन होता है देखिए, और एक्यूमुलेशन के बाद जब भी इसको स्टॉक को मूवमेंट आता है तो एक बड़ा कैंडल और एक वॉल्यूम होना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक रिवर्सल होता है तो उसमें आपको डबल बॉटम या थोड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप्स या फिर कुछ एक्यूमुलेशन के बाद ये जो है कि एक आधा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ये होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि बाटा इंडिया, तो बाटा इंडिया में भी देखिए कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड चल रहा है। जब भी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ, यहाँ पे देखिए कि डबल बॉटम बनाया था। जब ये नीचे आने के बाद ये स्टॉक ने बाटा इंडिया ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था। तो एक डबल बॉटम बनाना अगर रिवर्सल होता है तो एक डबल बॉटम बनाना जरूरी है। उसके बाद वही लेवल को इसने रिटेस किया, तो ये मोस्टली इंट्राडे में भी बनता है। अभी मैं डेली में दिखा रहा हूँ, तो इंट्राडे में ऐसे कोई मूवमेंट मिला तो आपको आप ट्रेडिंग ले सकते हो। उसके बाद देखिए कि ये जो है कि कोई स्टॉक अगर नीचे डबल बॉटम बनाए तो ऊपर भी डबल बॉटम बनाए या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, तो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन लगाया था यहाँ पे, यहाँ से मैंने यहाँ तक ट्रेंड लाइन लगाया था। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अभी तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी जो कि बाटा डाउन साइड आ जाएगा। ये डाउन साइड कभी आएगा दोस्तों? कि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और उसके नीचे अगर ये दो रेड कैंडल बनाएगा, यहाँ पे आपको ब्लू दिखते होंगे बट एक्चुअली यहाँ पे अगर दो रेड कैंडल बनते तो डाउन ट्रेंड आ सकता है। अदरवाइज जैसे कि ये टॉप पे जाने के बाद कभी भी ये डबल टॉप बना के जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो हमको कौन सा भी स्टॉक के लिए इंडेक्स के लिए कि पहले डिसाइड नहीं करना चाहिए अभी ये डाउन ट्रेंड आ गया कि अप ट्रेंड आ गया। इसमें मैंने खुद आज भी जो इंट्राडे ट्रेड किया था आपको बताता हूँ कि कैसे, एक छोटा ट्रेड था। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी यहाँ पे ये जो उसका हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, देखिए प्राइस एक्शन हो गया और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल गया। मोस्टली जो कल का जो हाई था थोड़ा नीचे था उसके ऊपर थोड़ा ये थोड़ा और भी ऊपर गया और रिटेस हुआ। उसके बाद तो ये प्रॉफिट बुकिंग आया, जो हर फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग होता है लास्ट के आवर्स में, तो ये लास्ट आवर्स में जो प्रॉफिट बुकिंग था वो छोड़ो तो ये आपको इंट्राडे में भी अच्छा मोमेंटम दे सकता था। क्योंकि मैंने देखा था कि ये डेली में जो कि ये स्ट्रांग स्टॉक है और डेली में जब भी ये ब्रेकआउट या प्राइस एक्शन देता है तो इसके ऊपर आपको ट्रेड करने को मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो जो है कि इंडस बैंक। तो देखिए दोस्तों कि मैं आपको इसका प्राइस एक्शन होने के बाद नहीं बताता हूँ, मैंने पहले हमारे जो डेली व्यूज रहते हैं वीकली व्यू रहते हैं उसमें मैं ये कवर करते रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो हाइज और लोअर हाइज जो बनाए थे उसको मैंने ट्रेंड लाइन डाला था यहाँ पे, यहाँ से, और वो प्रॉपरली ये कैंडल के साथ ब्रेक हुआ। इसके साथ ये देखिए कि वॉल्यूम्स और इसमें डाउनवर्ड यानी नीचे के भी हमने लो थे उसको भी लगाया था। जैसे ये ब्रेक हो गया तो यहाँ तक उसने टारगेट दिया। तो ये भी देखिए प्राइस एक्शन है, यहाँ पे मैंने कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं किया। उसके पहले ये मूवमेंट के पहले इसके ये देखिए कैंडल देखिए कितने छोटे छोटे थे और पूरे कंसोलिडेशन थे। तो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, इसको भी हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर देखने का जरूरत नहीं है, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आप इसमें बाइंग कर सकते हो। मोस्टली उसके पहले ऐसे कोई छोटा डोजी कैंडल्स वगैरह भी आता है, तो ये भी मैंने शेयर किया था मेरे डेली और वीकली व्यू जो रहते हैं उसमें, तो आप पीछे जाके मेरे वीडियो देख सकते हो, सब क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकता। उसके बाद जो है कि मैं आपको एक सिंपल प्राइस एक्शन बताता हूँ। तो देखिए कि जो कभी कभी क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर जाने का सपोर्ट बनते हैं, लेकिन स्टार्टेक में क्या हुआ कि जो सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई थी और ये ऊपर गया था, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आने के बाद लोग बाय करने लगे। लेकिन एक कैंडल में देखिए कि एक कैंडल में पूरा रेड के साथ ब्रेक किया था और उसके बाद ए लेवल से वो ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए कि वही सेम लेवल जो कि कभी सपोर्ट बन रहा था वहाँ पे रेजिस्टेंस बना और उसके बाद ए यहाँ तक आ गया। अभी आपको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लिया और उसने एक आध ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया तो आपस आप इससे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कितना लेवल के लिए। लेकिन अगर कोई ये नीचे गिरने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो डाउन भी जा सकता है। तो ये बहुत प्राइस एक्शन जो कि है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कोई शेयर नहीं करता।
मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि सब लोग इंडिकेटर के पीछे पड़ते हैं, और क्या होता है, सबको लगता है कि इंडिकेटर में कोई आपको जादू ही नुस्खा मिल जाए, कोई इंडिकेटर मिल जाए वो आपको पैसे कमा के दे, तो ऐसा कुछ नहीं। इंडिकेटर भी देख सकते हैं, बट अगर आप प्राइस एक्यूरेटली प्राइस एक्शन आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिलते हैं। तो नेक्स्ट प्राइस एक्शन का वीडियो मैं बनाऊंगा, तभी इसके भी बारे में मैं बात करूंगा, और नए जो स्टॉक है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये जो प्राइस एक्शन है बहुत एक्यूरेट ट्रेडिंग सिस्टम है, इसको आप धीरे धीरे सीख सकते हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और आपके कमेंट भी दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन से प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊँ, और ये वीडियो प्राइस एक्शन के वीडियो बनते रहेंगे, ये आप देख के प्राइस एक्शन सीखते जाओ। लेकिन आपको ऐसे ही प्राइस एक्शन सीखना है मेरे साथ आके यहाँ पे हमारे आयना ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप यहाँ पे आके मेरे साथ प्राइस एक्शन सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह, और अच्छी तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल देता हूँ हमारे कोर्स के, तो वो डिटेल आप देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे आप कॉल करके हमारे इंस्टीट्यूट में आके सीख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और इसमें आपके कमेंट भी दीजिए, तो जितने भी आपका इंटरेक्शन रहेगा मुझे अच्छा लगेगा, और मैं नए वीडियोस बनाता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।